हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के मोटो ब्लॉगिंग वाले वीडियो देखने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे भाई हैं मेरे जो चाहते हैं कि वो भी अपना एक मोटो ब्लॉगिंग का चैनल ओपन करें। उसके लिए उनको कोई आइडिया नहीं है, फिर भी हम उनको बता दें कि अगर आप चैनल शुरू करना चाहते हैं तो सोचिए नहीं, पहला नंबर आप चैनल ओपन कीजिए। और दूसरा काम आपका ये है कि आप हर दिन कोई वीडियो पोस्ट कीजिए मोटो ब्लॉगिंग से जुड़ा हुआ। और अगर हर दिन नहीं कर सकते हैं तो हफ्ता में 2 वीडियो अपलोड कीजिए। डेली वीडियो पोस्ट करने से आपका ये प्रॉफिट होगा कि जो आपका यूट्यूब आईडी रहेगा वो आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अगर आप वीडियो पोस्ट नहीं करते हैं रेगुलर तो क्या होता है कि यूट्यूब का जो चैनल होता है वो धीरे धीरे डाउन चला जाता है, कम होने लगता है, उस पर सब्सक्राइबर भी आपके गिरने लगते हैं। तो आप रेगुलर पोस्ट कीजिएगा तो सब्सक्राइबर गेन करेंगे और व्यू गेन करेंगे आप, और इससे आपका चैनल ग्रो करेगा। तो आप पहले चैनल बनाइए और उस पर वीडियो पोस्ट कीजिए रेगुलर। बहुत सारे लोग तो चैनल बना लेते हैं मोटो ब्लॉगिंग का, उसके बाद वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बोलना क्या है। तो आपको बता दें कि मोटो ब्लॉगिंग का जो चैनल है वो 3 पार्ट में बनता है। देखिए, एक चैनल जो होता है वो सिर्फ होता है ड्रैग रेस का, मतलब उसमें बस ड्रैग रेस होगा। और एक चैनल होता है जो कि ट्रैवलिंग का होता है, जो कि ज़्यादातर लोग ट्रैवलिंग का ही बनाते हैं। और एक चैनल होता है जिस पे बस अपने बाइक का मॉडिफिकेशन, तरह तरह के मॉडिफिकेशन दिखाए जाते हैं, तरह तरह का चेंजेस किया जाता है तो पब्लिकली दिखाया जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर सुपर बाइक है या फिर कोई बड़ा बाइक है तभी आप चैनल ओपन करेंगे, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास स्कूटी है, अगर आपके पास स्प्लेंडर है, कोई भी बाइक है, आप उससे बना सकते हैं वीडियो। और चैनल चलाने के लिए आपको रेगुलर वीडियो तो पोस्ट करना ही करना है, सबसे मेन यही काम है। तो कुछ लोगों का चैनल तो है, वीडियो भी डालते हैं, लेकिन अब कंफ्यूज हैं कि वो अब बोले क्या वीडियो में। तो देखो भाई, बोलना कुछ नहीं है, बस आप अपने बाइक में कुछ करें, जैसे कि आप माइलेज टेस्ट कर सकते हैं, आप अपने बाइक का एग्जॉस्ट चेंज कर सकते हैं, आप अपने बाइक में तरह तरह का लाइट लगा सकते हैं जिसको आप पब्लिकली शो कर सकते हैं, आप राइडिंग गियर खरीद रहे हैं उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं, आप अपने हेलमेट के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। ऐसा बहुत सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा अगर आप चैनल शुरू करने के बाद आपको आइडिया नहीं मिलता है तो धीरे धीरे। और अगर जब आपको लगता है कि आप बोलने में कुछ कन्फ्यूजन है, हम क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं सोच रहे हैं, अगर आप चुपचाप से अपना हेलमेट उठाइए, बाइक उठाइए और मोबाइल लीजिए और निकल जाइए घर से बाहर। और रोड पर कुछ कुछ होते रहता है इंसिडेंट्स जो कि आप देखते हैं, उस सब के बारे में बोल सकते हैं, मतलब बहुत तरह का। अब अगर कैमरा लेके बाहर निकल जाते हैं तो आपको कोई ना कोई टॉपिक मिल ही जाएगा। तो इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए कि आपको बोलना क्या है, क्योंकि वीडियो बनाने लगेगा तो आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। बहुत ही जल्द अब आपको मेरे चैनल पर ड्रैग रेस दिखने वाला है। और आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। बस आप सपोर्ट बनाए रखें अपने भाई को, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, हमको पूरा कोशिश करेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने भाई को सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।